हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का शुरुआत करने वाले हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग क्लियर माइंड सेट के साथ फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग गए होंगे। फोर्थ सेमेस्टर में जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका एडवांस सर्वेइंग। तो अगर हम बात करते हैं एडवांस सर्वेइंग के सिलेबस का, तो एडवांस सर्वेइंग देखिए आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस ये रहा। और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में जो एडवांस सर्वेइंग आता है, एडवांस सर्वेइंग आपका नंबर टू पे आता है। और एडवांस सर्वेइंग में अगर हम लोग बात करें तो एडवांस सर्वेइंग का सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, तो 2015402। और आपका इसके एग्जाम में जो टोटल वेटेज है वो कितना रहेगा, 100 मार्क्स का, जिसमें आपसे क्वेश्चंस कितने का पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के, और क्लास टेस्ट का 20 मार्क्स, और आपका टीचर असेसमेंट का 10 मार्क्स। तो ये आपका हो गया मार्क्स का वेटेज। और अगर हम बात करें सिलेबस का, तो टोटल आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है वो पांच टॉपिक कौन कौन सा है, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको आता है वो आता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो अगर हम बात करें, देखिए ये रहा आपका सिलेबस, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपका है उसका नाम क्या है, तो वो है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो अगर हम बात करें प्लेन टेबल सर्वेइंग में, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपको बस उसका बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लेना है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है, उसमें हम लोग पैरेललिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। उसके बाद उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं हम लोग, तो एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा प्लेन सर्वेइंग में जो एडिलेट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एडिलेट कितना तरह का, दो तरह का होता है, उसी में आपको पढ़ना है किसके बारे में, तो टेलीस्कोपिक एडिलेट के बारे में। उसके बाद बात करते हैं क्या, तो कैसे हम लोग प्लेन टेबल का सेटिंग करते हैं, सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल आपको पढ़ना है। उसके बाद उसका ओरिएंटेशन पढ़ना है कि प्लेन टेबल का हम लोग ओरिएंटेशन करने का जो दो मेथड है, या तो हम लोग बैक साइटिंग से करते हैं, या फिर जो हमारे पास ट्रफ कंपास होता है, या ट्रफ कंपास को ही हम लोग और क्या बोल देंगे कि ट्रफ कंपास मेथड, या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में, कि मेथड कौन कौन सा होता है। तो उसमें मेथड होते हैं चार, लेकिन आप लोग को पढ़ने हैं सिर्फ तीन मेथड, कौन कौन सा, तो एक पढ़ना है आपका रेडिएशन, दूसरा पढ़ना है इंटरसेक्शन, और तीसरा पढ़ना है ट्रावर्सिंग। यहाँ पे बस मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसके साथ साथ हम लोग कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, कि प्लेन टेबल सर्वे का क्या मेरिट होता है, क्या डिमेरिट होता है, ये पढ़ना है। ये आपका यहाँ पे यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट वन के बाद जो दूसरा आता है उसको बोल देते हैं क्या, यूनिट टू। यूनिट टू में आपको पढ़ना है वो पढ़ना है थेडोलाइट के बारे में, कि क्या होता है थेडोलाइट। तो जब मैं आपको सर्वे भी पढ़ा रहा था उस समय बताया था क्या, कि सर्वेइंग में जो थेडोलाइट है उसको यूनिवर्सल मशीन बोलते हैं या यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं, कि उससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, जितने भी तरह का मेजरमेंट है वो सारे के सारे मेजरमेंट आप ले सकते हो। तो यही आपके पास पढ़ना है सेकेंड यूनिट, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, थेडोलाइट सर्वेइंग। तो थेडोलाइट सर्वेइंग में जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या है, तो टाइप्स एंड यूज ऑफ थेडोलाइट। सबसे पहला जो चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टाइप्स एंड यूज ऑफ थेडोलाइट। दूसरा अगर हम लोग बात करें क्या, कि मेरा जो थेडोलाइट का टाइप होगा उसी में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिट थेडोलाइट के बारे में, तो वही लिखा गया है क्या, कि ट्रांजिट थेडोलाइट का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट एंड देयर फंक्शन, और क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रीडिंग द वर्नियर ट्रांजिट थेडोलाइट, कि कैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं ट्रांजिट थेडोलाइट का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात किया जाए तो आपको क्या पढ़ना है, तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट, कि कैसे हम लोग ट्रांजिट थेडोलाइट का टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि कैसे भी हमने बताया कि जो मेरा थेडोलाइट होता है उससे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों का मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करेंगे, उसका क्या डायरेक्ट मेथड है, क्या रिपीटेशन मेथड है, या कैसे इरर जो आएगा वो इरर को हम लोग दूर करें, ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, कि कैसे हम लोग वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आपका है वो क्या है, तो ट्रावर्स कंपटीशन, कि उसमें क्या होता है लैटिट्यूड। ऐसे मैं जब आपको बेसिक सर्वेइंग भी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में पढ़ाया था, यहाँ पे उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है डिपार्चर, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं, क्या होता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैसे हम लोग ट्रैवर्स को बैलेंस करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे वॉडिच रूल के बारे में भी, या फिर ट्रांजिट रूल के बारे में, गेल्स रूल के बारे में, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो जब हम लोग अपना यूनिट टू थेडोलाइट पढ़ रहे होंगे तब। यूनिट टू के बाद जो आपका यूनिट थ्री आता है उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है, दो सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें आपके सिलेबस में एक साथ कर दिया गया है, तो तीसरा जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग एंड कर्व सेटिंग।
तो अगर हम बात करते हैं टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का, तो जैसे अभी हमने देखा क्या कि अगर मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना था तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए हमने कंपास यूज़ कर लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि कंपास से सर्वेइंग हम लोग पढ़े थे बेसिक सर्वेइंग में। उसी तरह से अगर हमको वर्टिकल एंगल मेजर करना था तो वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया, तो उसमें हमने क्लाइनोमीटर का यूज़ कर लिया। वो भी हम लोग कहाँ पर पढ़ लिए थे, तो वो भी हमने पढ़ लिया था बेसिक सर्वेइंग में। उसके बाद जब एडवांस सर्वेइंग में आए तो एडवांस सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों का मेजरमेंट एक साथ हो, उसके लिए आपको क्या दे दिया गया, थियोडोलाइट सर्वेइंग। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस, जैसे ग्राउंड आपका अंडुलेशन है तो कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैसे वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, तो वो सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्योमेट्री सर्वे पढ़ेंगे। अब टेक्योमेट्री सर्वे में सबसे पहले आपके पास क्या है, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, कि टेक्योमेट्री का क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से टेक्योमीटर का और उसका कंपोनेंट क्या होता है, उसका पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि टेक्योमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टाफ को रखते हैं, कैसे उसका रीडिंग करते हैं, कैसे वर्टिकल स्टाफ का रखते हैं, कैसे उसका रीडिंग करते हैं, ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फील्ड मेथड है जो कि जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेक्योमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैसे वर्टिकल डिस्टेंस, कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योडोलाइट पढ़ रहे होंगे तब। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे सीखेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड यूनिट आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है क्या, टाइप्स ऑफ कर्व। अब देखिए टाइप्स ऑफ कर्व आप यहाँ पे भी पढ़िएगा, और जब इसी सेमेस्टर में जब आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे तो हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम लोग टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ कर्व मेरा क्या होता है कि रोड बनाने में या रेलवे बनाने में किस तरह का टाइप्स के ऑफ कर्व हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कर्व को डिजिग्नेट करते हैं, पहचानते कैसे, कैसे कर्व का सेटिंग आउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेटिंग आउट ऑफ कर्व के बारे में, क्या होता है सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व क्या होता है, इस कर्व क्या होता है, सर्पेंटाइन कर्व, अलग अलग तरह के कर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या बोल देते हैं कि कैसे हम लोग कर्व का सेटिंग आउट करते हैं, तो उसका एक ऑफसेट मेथड होता है, लॉन्ग कॉर्ड मेथड होता है, रंकाइन मेथड होता है। तो ये अलग अलग जो मेथड है वो अलग अलग मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ रहे होंगे क्या कर्व्स के बारे में। तो इस तरह से आपका यूनिट थ्री में ये टॉपिक पढ़ने हैं। अगर बात करें यूनिट फोर का, तो यूनिट फोर में जो आपका सब्जेक्ट का नाम है एडवांस सर्वेइंग, तो उसी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो उसमें जो सब आपका टॉपिक पढ़ना है वो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है क्या कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, उसका कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसका फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या, तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल थियोडोलाइट है उसका कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। उसके कौन कौन से फंक्शंस क्यों होते, टोटलाइजेशन क्या होता है, टोटलाइजेशन का फंक्शन की क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फोर में, वो पढ़ेंगे क्या कि कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल का, कैसे वर्टिकल एंगल का, कैसे डिस्टेंस का, कैसे कोऑर्डिनेट का, ये सारे का कैसे हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोटलाइजेशन, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या होता है ट्रैवर्सिंग, क्या होता है प्रोफाइल सर्वे, कैसे हम लोग कंटूरिंग करते हैं, किसके हेल्प से, टोटल स्टेशन के हेल्प से, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो याद रखिएगा कि टोटल स्टेशन के बारे में ऐसा बोला जाता है क्या कि अगर आप थियोडोलाइट को और लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो जो इंस्ट्रूमेंट बनता है वही आपका क्या कहलाता है, टोटल स्टेशन। ऐसा समझ लेना है क्या कि टोटल स्टेशन एक तरह से आपका क्या है, मिनी लैपटॉप है, उससे आप सर्वे भी कर सकते हैं, उसमें आप वहाँ पे डेटा भी सेव कर सकते हैं। तो कैसे उसका यूज करेंगे वो जब हम लोग टॉपिक पढ़े रहे होंगे तब वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीपीएस के बारे में और जीआईएस के बारे में। तो अगर बात करते हैं जीपीएस का, तो जीपीएस आपका क्या हो जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर वहीं बात करें जीआईएस का, तो क्या हो जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वह सब कुछ जब हम लोग जीपीएस या जीआईएस जब पढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जैसे कि देखिए मैं आपको देख रहा हूँ या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि आपको मैं टच किए बिना या फिर बिना फिजिकली कांटेक्ट किए हुए, बस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप सुन पा रहे हो, जो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ आप समझ पा रहे हो, तो बिना फिजिकल टच किए हुए भी फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेंस कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, कि कैसे जैसे आप लोग मॉल वगैरह में भी जाते होंगे तो बिना आप दरवाजा, जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, तो वो सब क्या है, वो सब सेंसर है। तो ये सब जब हम लोग रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग का ओवरव्यू देना है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्या होता है रिमोट सेंसिंग का, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है आपका, तो यूज ऑफ जीपीएस, जीपीएस का क्या क्या यूज करते हैं,
तो जैसे अगर इंडिया का भी हम लोग बात करें तो IRNSS जो हमारा है तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, मेरा GIS, तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और जो सबसे लास्ट टॉपिक आएगा वो क्या आ जाएगा, ड्रोन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन टू ड्रोन सर्वेइंग, ये आपका यूनिट 5 आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है। देखिए ये बस मैं आपको क्या कहूँ कि एक जो आपका सिलेबस दिया उसको रीड आउट किया हूँ, कुछ भी समझाने का कोशिश नहीं किया गया है, बस सिंपली ये बताया गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जब आप फोर्थ सेमेस्टर में एडवांस सर्वेइंग पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे। बस अभी आप सिलेबस समझ लीजिए। और बुक वही है जो हम लोग बेसिक सर्वेइंग में जो दोनों बुक यूज कर रहे थे, जो हमारा BC पुनमिया था और NN वसक था, तो वही बुक सफिशियंट है, उतना से काम चल जाएगा, आपको और दूसरा कोई बुक परचेज करने का जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, तब वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पार्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।